पुलिस को बढ़ती दोपहिया वाहन चोरी की वारदात में मिली बड़ी सफलता। कई महीनों से थी तलाश, तीन शातिर बाइक चोरों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक SS चौहान, पुलिस उप अधीक्षक समीर यादव व मंगल सिंह ठाकरे नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन सीहोर जिले में चलाए जा रहे चोरी गए वाहनों के आरोपियों को धरपकड़ अभियान के दौरान थाना कोतवाली प्रभारी मनोज मिश्रा उनकी टीम ने तीन शातिर चोरों को भोपाल नाका मुरली ग्राम रोड पर धर दबोचा। संतोष मीणा की रिपोर्ट, नसरुल्लागंज, आज की आवाज। जैसे आप लोगों को विदित है, विगत दो माह से हमारे सीहोर शहर में दोपहिया वाहनों की चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। बहुत ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी जा रही थी। उन पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चौहान साहब के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर यादव साहब के निर्देशन में एक सक्रिय टीम का गठन किया गया। उस टीम में सभी कर्मचारी श्री मनोज मिश्रा TI कोतवाली के निर्देशन में एक अच्छी टीम बनाई गई, जो सक्रिय हमारे यहाँ कर्मचारी थे। बीटा के उप निरीक्षक विनीता, उप निरीक्षक पूजा राजपूत, उप निरीक्षक बाजगे और उनके सहयोगी, इन सब लोगों ने मिलजुल करके अपना एक जाल बिछाया और मोटरसाइकिल की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए, जैसे कि सूचना मिल रही थी कि कंजनों का ज़्यादा आना जाना है और ये लोग चलाते हैं, इनको मुखबिर की सूचना पर 27/7 को भोपाल नाके पर मुरली रोड पर भागते हुए तीन कंजड़ों को पकड़ा गया और वो बिल्कुल मोटरसाइकिल को चुराने के लिए आए ही थे और चुराने वाले ही थे कि हमारी टीम ने, हमारी TI साहब की नेतृत्व की टीम ने उनको धर दबोचा और उनको पकड़ा। पूछताछ पर उन्होंने 10 मोटरसाइकिलें हमको बरामद कराई हैं, जो कीमती करीब 4 लाख रुपये की हैं। और इस प्रकार का अभियान जो है, गिरफ्तारी का, जब्ती का और चोरियों को पकड़ने का, चोरों को पकड़ने का, ये भविष्य में भी जारी रहेगा। 379 की धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर केस दर्ज किए गए हैं मोटरसाइकिल चोरी के, और 41(2)379 के अंतर्गत भी इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और हमारा गिरफ्तारी का और बरामदगी का अभियान भी जारी है।